ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं के वृहद क्रियान्वयन हेतु ग्राम प्रधानों के दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन योगी राज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉ. सुधाकर पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, बच्चा सिंह सहित जनपद के सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। कार्यशाला में शासन एवं मुख्यमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल कार्यक्रमों के उद्देश्य, ग्राम विकास, मनरेगा, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं, आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, मुख्य सेविका कार्यकर्ता, सहायिका का ग्राम स्तर पर संचालित योजनाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा कार्यशाला में राशन कार्ड के संबंध में पात्र व अपात्र का चयन, पात्रों को मानक के अनुसार राशन का वितरण, कोटेदार के विषय में तथा अन्य संचालित गतिविधियों की भूमिका सहित कृषि, उद्यान एवं सिंचाई विभाग के संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि सभी को पूरी ईमानदारी के साथ शासन की योजनाओं को संचालित करना होगा, तभी गांव का विकास होगा और अपना जनपद मॉडल जनपद बन सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, खेल का मैदान और सब चीज बन सकता है और 2-3 साल में हो जाएगा। एक दशक से ज्यादा हो गया, इसमें 95 से धनराशि हस्तांतरित हो रही है, बड़ी धनराशि ग्राम निधियों में। अभी तक अगर संतृप्तिकरण नहीं हुआ, अभी भी जब गांव में जाते ये नहीं बना वो नहीं बना करके शिकायत आती है तो कितना पीड़ा का विषय है, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है, इसमें ये कल्पना करने की जरूरत है। तो मैं अनुरोध करूंगा महिला प्रधानों से, एक बार मुझे आश्वस्त करिए कि महिलाओं को इसमें जोड़ेंगे और अगले सालों में महिलाएं ही नरेगा में काम करेंगे। अभी नहीं, महिलाओं की प्रतिभागिता बहुत कम है, कर लेंगे। मैं नहीं जाऊंगा तब, मैं बहुत जीती हूँ, हाँ कर लेंगे, महिला प्रधान लोग कर लेंगे। और अगर कोई आपके वहां पे विरोध करता है पुरुष साथी तो हमें बताइए, हम उनको देखेंगे, हमारे पास काफी अधिकार है। साथ आप आवाज लगाइए, जय ग्राम विकास, जय हिंद, जय ग्राम विकास, जय हिंद, जय ग्राम विकास। बहुत बहुत धन्यवाद नरेगा के लिए। ग्राम पंचायत डिमांड इसका ना होगा, जो रोजगार जिस रोजगार की मांग कर रहा है उनका भी औसत 30 से 40 साल का, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। और मेट है वो घर घर जाए, जिनके भी जॉब कार्ड बने हुए हैं उनके घर घर जाए, और आपके द्वारा जो 30 दिन है मगर आप और उनकी कैटेगरियाँ बताई गई हैं, अगर हम इस पे समय काम करेंगे करके किसी समूह को या जो भी अन्य लोग हैं कि जो आमदनी होगी वो भी हमारे जो ग्राम पंचायत की जो अतिरिक्त आमदनी है उसमें जुड़ता है। चंद दिखाई गई हैं तो आप में से कुछ लोग, जैसे माहौल देखा जहाँ जिस गांव में इस तरह का विकास हो जाता है, जल जनित बीमारियों जैसे गंभीर समस्याओं को निदान मिल जाता है, वहाँ खुशहाली कितनी होती है, विश्वास कितना हो जाता है, वहाँ परिवारों में ग्राम पंचायत में कितना जोश दिखता है। ऐसे ही गांव के नेतृत्व करने के लिए आपकी उत्सुकता जरूरी है, आपकी पहल जरूरी है। तो कोई डाउट नरेगा में और इसमें किसी को कोई सवाल, कोई जिज्ञासा? हम लोग बहुत गरीब है, मतलब हद से भी गरीब है। यहाँ पे सार्वजनिक समस्या के बारे में बताना है, व्यक्तिगत गांव के हालात से नहीं। बता रही हूँ, मेरी इच्छा है उस गांव के लिए कि कुछ ऐसा बिजनेस दीजिए आप उन लोगों के लिए, जैसे बकरी है, ये है, इसके लिए सबको नहीं मिल सकता है। सारे अगर 40 साल तक ग्राम प्रधान रहे हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि एक आदर्श परिवार कैसा होता है, एक आदर्श गांव कैसा होता है। मैंने देखा है, हम कहीं हमें सपना नहीं देखना आदर्श गांव के लिए, हमारे ही इर्द गिर्द आदर्श गांव है। जब हम आदर्श की तरह से बिहेव करेंगे तो हमारा आदर्श गांव घर भी बनेगा और आदर्श गांव भी बनेगा। तो बधाई देना चाहता हूं कि एक लोकतंत्र का जो एक सबसे आधारभूत इकाई है हमारे देश का, वो है गांव, हमारा ग्राम पंचायत, उसके आप प्रधान चुने गए हैं। आप एक लोकतंत्र की आस्था है, वहाँ के नागरिकों की आस्था आप में व्यक्त की गई, आपके नेतृत्व में उन्होंने आस्था जताई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ अगले ग्राम प्रधानों की है वो बहुत ही
महत्वपूर्ण है और उससे महत्वपूर्ण इकाई संभवतः पूरे इस व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि गांव का जो इकाई है वो फंडामेंटल इकाई है, चाहे वो डेवलपमेंट में हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर। और इसी कारण जो हमारा लास्ट जब से प्रधान की व्यवस्था हुई है उनको अधिकार खास करके हर क्षेत्र में मिले हैं, वो हमारे यहाँ एक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज देश में लाया है। उत्तर प्रदेश में के रणजी ट्रॉफी खेलने का मुझे सौभाग्य मिला था 2001-2002। क्रिकेट आप जानते हैं कि हाउस होल्ड गेम है हमारे देश में, अब हर कोई ऐसा गांव कोई आदमी कोई गांव हाथ गांव है जहां क्रिकेट नहीं होती हो, मैं सुनना चाहूंगा ऐसा गांव। तो सभी जगह बच्चे जो हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं, ट्रॉफी नहीं खेल रहा, जबकि मेरठ जाइए तो 7-8 लड़के होंगे रणजी ट्रॉफी में। पूरे सरयू के नॉर्थ की प्रॉब्लम है ये, बहराइच से लेके कुशीनगर तक का क्षेत्र मेरे पास है, सारी जगह से एक भी खिलाड़ी नहीं, तो क्या टैलेंट नहीं है हमारे पास, या हमारे बच्चे क्या पूर्वा पश्चिम के बच्चों से अलग है क्या? ऐसा नहीं है, हमारे पास भी उतना ही टैलेंट है जितना वहां है, संभवतः उस टैलेंट को हम सही जगह पे स्पॉट नहीं किए और जितना उनको सपोर्ट और प्रमोशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी के आदेश पे शासन द्वारा जो एक आदेश दिया गया था जिसमें नव निर्वाचित प्रधानों को एक कार्यशाला की गई है जिसमें ग्राम विकास की 3 स्कीमें जो मुख्य है, आजीविका मिशन, मनरेगा और आवास, और इसके अलावा और भी स्कीमें हैं, और इसके बाद जो हमारे बाकी स्वास्थ्य की जो स्कीमें चल रही है CMO द्वारा उस पर ब्रीफ किया गया, और जो एजुकेशन में बेसिक शिक्षा में जो स्कूलों में प्रेरणा मिशन चल रहा है, कायाकल्प चल रहा है, मिड डे मील स्कीम चल रही है, उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्रीफ किया गया है और प्रधानों से जो है उनकी भी समस्याओं को सुना गया है। इसी कार्यशाला के संदर्भ में कल सारे कर्मचारियों को अभी कार्यशाला ली गई थी और ये कंटिन्यूस अगले 3 दिन चलेगी, और कल जो हमारा मुद्दा होगा वो पंचायती राज विभाग होगा। आज हमने ग्राम विकास और बाकी विभागों को लिया है, कल पंचायती राज पे यही कार्यशाला सेम प्रधानों से की जाएगी, और इसमें हमने ब्लॉकवार प्रधानों को लिया है और हर ब्लॉक को इसमें कवर किया जाएगा। इससे जिले के सारे प्रधानों को इस कार्यशाला से जोड़ा गया है और ये कार्यशाला हर महीने में या 2-3 महीने में एक फ्रीक्वेंसी में बार बार होती रहेगी। सर एक चीज़ बताया गया इसमें अभी देखने मिला कि जो गंदा पानी गाँव का है इसको टैंक बना करके स्वच्छ भारत मिशन 2 में फेज़ 2 में इस चीज़ों को लिया गया है, जिसमें पहले तो शौचालय निर्माण पे जो फोकस था, अब जो फोकस है गाँव में जितना भी हमारा तरल और ठोस पदार्थों का जो हमें निस्तारण करना है, उनकी मैनेजमेंट करनी है, उस पर फोकस है, तो इस चीज़ का भी ब्रीफ इनको किया गया।